हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे चना दाल नमकीन, बहुत ही कम तेल में। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। तो मैंने ये चना दाल ले ली है, लगभग 100 ग्राम दाल थी, इसको भिगो दिया है लगभग 5 घंटे, तो ये डबल हो चुकी है। इसको इस छलनी में निकाल लेंगे, उसके बाद साफ कपड़े पर डाल के अच्छे से इसका मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे, पोंछ लेंगे। इसे सुखाएंगे नहीं हम, ना पंखे की हवा में ना धूप में, सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे। आप देख सकते हैं हाथ पे पानी नहीं लग रहा है। और अब हम लेंगे एक फ्राई पैन, उसमें मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच तेल, सिर्फ एक चम्मच तेल लिया है। और इसमें मैं ये दाल डाल दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, तेल हमारा प्रॉपर गर्म है। और इसको हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो 100 ग्राम दाल में हमारी लगभग 200 ग्राम चना की जो नमकीन है, चने दाल की, वो रेडी होती है और प्योर होती है। और इसको आप अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। दाल को आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। अगर पूरी रात के लिए नहीं भिगोया है और आपको बनानी है नमकीन, तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। पानी को गर्म कर लें अच्छे से और उसमें दाल को डिप करके ढक के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। आपकी दाल जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। और फिर उसका दाल का पानी निकाल दें और दाल को किसी कपड़े पे डाल के अच्छे से पोंछ लें। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए दाल में। और इसको पंखे की हवा में नहीं सुखाना है, सिर्फ अच्छे साफ कपड़े में अच्छे से पोंछ लें और पानी इसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा तेल लें और उसमें उसको डाल के मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भूनते रहें। भूनते वक्त फ्लेम का काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका फ्लेम ज़्यादा हाई होगा तो आपकी दाल जल जाएगी, और कम होगा तो आपकी दाल जो है ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इसलिए फ्लेम को मीडियम रखें। बाज़ार में मिलने वाली नमकीन जैसी ही बनेगी और उतनी ही क्रिस्पी रेडी होगी और बहुत टेस्टी बनती है ये नमकीन। और इसको बना के आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार बना लें और ठंडा करके इसको एयर टाइट डब्बे में रख के आप कई महीनों तक इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बहुत जल्दी बनती है। तो अब आपको नमकीन बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे अच्छी सी टेस्टी सी नमकीन बना सकते हैं और बहुत ही कम ऑयल में, ऑयल फ्री है। और इसको आप कभी भी बनाएं और एयर टाइट डब्बे में रख के लंबे समय तक स्टोर करें, मेहमानों को खिलाएँ, रिश्तेदारों को खिलाएँ। और अब मैंने गैस के फ्लेम को जो है वो लो कर दिया है और इसे अच्छे से चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। लो इसलिए कर दिया है ताकि अब ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। तो इसको अच्छे से चारों तरफ चलाते हुए, राउंड राउंड घुमाते हुए भून लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना कम तेल हमने लिया था। और अब हमारी दाल जो है, हमारे दाल के ऊपर तेल आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से भुनने लगी है, लगभग भुन चुकी है। तो इसको चलाते रहेंगे। तो इसी तरह से आप दाल की नमकीन फटाफट रेडी कर सकते हैं। इसमें अपने मन चाहे मसाले डाल सकते हैं, खट्टी मीठी बना सकते हैं, चटपटी बना सकते हैं इसको। तो आप जैसे मसाले ऐड करेंगे वैसे ही आपकी नमकीन रेडी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मसाले आप इसमें किस टाइम पे ऐड करें। और अब आप देख सकते हैं दाल जो है वो दिखने में भी आपको दिख रही होगी कि दाल हमारी अच्छे से करारी कुरकुरी हो चुकी है। जब अब मैं इसको चला रही हूँ तो इसमें एक अलग से आवाज़ आ रही है, जैसे भुनी हुई दाल की आती है। तो इसको हम चलाते हुए अच्छे से थोड़ी देर तक और भूनेंगे। दाल को भूनने में आपके लगभग 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो अच्छी तरीके से दाल को भूनेंगे हम और इसकी खुशबू आने लगेगी आपको, जैसे भुनी हुई दाल की आती है। और इसकी आवाज़ भी बदल जाएगी और आप देख सकते हैं इसमें झाग उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारी दाल जो है वो पूरी तरीके से भुन चुकी है। और अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे स्पीडली अच्छे से चलाते रहेंगे लगभग 1 मिनट तक, ताकि हमारी दाल जो है जले ना
और अब इसको ऐसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, इसका मतलब है हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो सब दाल ऐसे मैं निकाल लूँगी पूरी, और आप देख सकते हैं जितना तेल हमने डाला था उतना तेल बच गया है। बिल्कुल ही कम तेल में हमने ये टेस्टी नमकीन जो है वो रेडी की है, और गरम गरम दाल में ही हम मसाले ऐड करेंगे ताकि मसाले इसको अच्छे से चिपक सकें। तो मसालों में देखते हैं हम क्या क्या मसाले ऐड करते हैं। मसाले सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब मैंने लिया है लगभग एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच ले ली मैंने लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये ले लिए हैं मैंने पुदीने को सुखा लिया था, उसके पत्ते हैं सूखे हुए पुदीने के, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो इसमें और मसाले भी कोई जो आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें आप, और अगर आपको इसको खट्टा मीठा बनाना है तो इसमें आप थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी नमकीन जो है वो खट्टी मीठी चटपटी नमकीन रेडी हो जाएगी। तो ये सिर्फ चटपटी नमकीन रेडी की है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी एकदम बहुत टेस्टी नमकीन रेडी हुई है। ये लगभग 15 मिनट में पूरी नमकीन आपकी रेडी हो जाती है, और दाल को भिगो के रखने के लिए आप रात भर भिगो सकते हैं, और अगर आपने नहीं भिगोई है तो गर्म पानी में डिप करके 2-2.5 घंटे के लिए रख दें। और अब इसमें मैंने रोस्टेड मूँगफली के दाने ऐड कर दिए हैं, और इनको मिक्स कर देंगे। तो ये नमकीन आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और ये टेस्टी सी नमकीन ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बनी है, और बहुत सस्ती भी पड़ती है नमकीन, और प्योर है। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।